हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का। कल मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ लिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैंने आपको बता दिया था कि यहां पे एक लॉ लाया करता है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में हम क्या समझते हैं कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को बनाया जा सकता है, द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसका नाश किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। यही अगर हम इंग्लिश में बोले तो मास क्या कहते हैं, मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था जो कंपाउंड बनते हैं
दो तत्वों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात की थी, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि अगर मैं CO2 की बात कर रहा था तो कार्बन यहाँ पे कितना है, एक और ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पे बॉन्ड नंबर दोनों क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर से ज्यादा क्या है, एक फिक्स रेशियो है। अगर यहाँ पे बॉन्ड नंबर टू नहीं होगा तो ये कभी भी क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी कंपाउंड क्रिया नहीं बन सकता, यौगिक क्रिया नहीं बन पाएगा। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट, सॉरी इसके बाद पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब जो भी नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अगर रेशियो कांस्टेंट है तो नंबर भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। जितने भी एटम से मिलकर कोई कंपाउंड बना हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। उसमें बाद में एटम ऐड नहीं किए जा सकते, मतलब ना ही उनमें बाद में एटम जोड़ सकते हैं हम, ना ही उसमें से एटम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट रेशियो होगा। जब रेशियो कांस्टेंट है तो नंबर भी वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम भी हमेशा कांस्टेंट होंगे, परमाणु की संख्या जो होगी वहां पे क्या होगी, एक निश्चित होगी, ठीक है। अब इसके बाद डॉल्टन की थ्योरी के बाद हमने एटम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, मतलब यहीं से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। क्या क्या चीजें क्लियर हुई, पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि सारा जो भी हमारे पास है एलिमेंट है, उसके बाद कंपाउंड्स है, मैटर है, ये सब किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। एटम की अगर डेफिनेशन बोले तो हम डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि एक सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट ले, एक बहुत टिनी पार्टिकल जो कि क्या करता है, कर पाए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट ले पाए, उसे हम एटम बोलेंगे। हमने बोला एटम एक इनविजिबल पार्टिकल है, मतलब एटम को ना ही हम डिवाइड कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब परमाणु में जितनी भी संख्या होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, वो सारे परमाणु के अलग अलग होंगे। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तत्वों की अगर मैं बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन के जो परमाणु होंगे वो अलग होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु अलग होंगे, दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है। जितने भी तत्व होते हैं उनके सबके अलग अलग परमाणु होते हैं, और इन सबके अलग अलग परमाणु संख्या भी होती है। हम एटॉमिक नंबर हम आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनकी संख्या किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में अभी नहीं पढ़ते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि एटम का जो साइज होता है वो किस टाइप से होता है, एटम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो और किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अभी आज के